अगर मेरे को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए या स्टॉक ट्रेडिंग करनी चाहिए? अभी बता दे भाई। बहुत बढ़िया सवाल है, तेरे को दो चीजों के ऊपर ध्यान देना है, तू बिगिनर ट्रेडर है। सबसे पहले तू कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करने वाली है और दूसरी तेरे इमोशंस कैसे प्ले कर रहे हैं जब तेरी ट्रेड चल रही होती है। अगर तू ऑप्शंस में ट्रेडिंग करेगी, तेरी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है मार्केट के अंदर, तो स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी रही हो। रिस्क मैनेजमेंट पे तेरे को ज्यादा ध्यान देना है, उसमें स्टॉप लॉस बड़े होंगे। अब नॉर्मल सी बात है, स्टॉप लॉस बड़े होंगे तो कैपिटल भी बड़ी चाहिए, तो इस केस में मैं रिकमेंड करूंगा 50 से 70 हजार अगर तेरी कैपिटल है तभी ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसी हो। इतना तो कैपिटल नहीं है मेरे पास। अब बात करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग की। देखो स्टॉक्स के अंदर ना इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होती है, तो तेरा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली काफी छोटा हो जाता है, और स्टॉक्स में तू इन्वेस्ट करना सिर्फ 5 से 10 हजार में भी स्टार्ट कर सकती है। यही सही लग रहा है। अब बात करते हैं इमोशंस की, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है। मेरे हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर तेरे इमोशंस बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, तेरे को फास्ट डिसीजन मेकिंग करनी है, क्योंकि पता नहीं यार कब लॉस हो जाए कब प्रॉफिट, जल्दी जल्दी डिसीजन लेके अपना प्रॉफिट या लॉस बुक करना है। अब यही स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर मूवमेंट बहुत स्लो होता है, तो तेरे पास डिसीजन लेने के लिए काफी टाइम होता है। तो मेरा तो मानना है अगर तू बिगिनर ट्रेडर है तो तेरे को पहले स्टॉक ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए। सब समझ आ गया, थैंक यू।